तो ये आज मेरा एक लेटर आया हुआ है, 64 पाउंड का टीका लग गया। इस पे तो साइकिल चलाना और मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेडियम है, ये फुटबॉल स्टेडियम क्रिकेट है, ये अंग्रेजों का टाइप और है, नई किस्म का होगा ना। तो आपको पता है जिला कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो कल मेरा DVLA का काम नहीं हुआ था, तो आज मैं दोबारा जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि उन्होंने इस पर एक होती है नॉर्मल डिलीवरी के वो 2-3 हफ्ते बाद कार्ड पहुँचता है, एक होती है स्पेशल सर्विस, तो उसमें आपका कार्ड अगले दिन DVLA वाले के पास पहुँच जाता है, तो आपका कार्ड 1 हफ्ते में बन के आ जाता है। अब मैं जाके इन्फॉर्मेशन लूँगा उनसे पोस्ट ऑफिस में जाके, और कहूँगा कि मेरी स्पेशल सर्विस करें ताकि मेरा 1 हफ्ते में DVLA फॉर्म आ जाए, CBT अप्लाई करके अपना वो बाइक चलाने लग जाऊँ। तो ये आज मेरा एक लेटर आया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे NI नंबर पे आप वोट रजिस्टर कर सकते हो, तो ये मेरा लेटर आ गया। इलेक्शन अब पता नहीं कब है, और मैं अभी जल्दी जल्दी में बाहर जाता तो देखा लेटर आया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट नया आता है उसको चाहिए कि वो अपना NI नंबर से अपना वोट रजिस्टर करे, योर वोट मैटर, डोंट लूज इट। ये यहाँ पे पता नहीं गेमिंग जोन है, पता नहीं क्या है, बाकी आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, धूप निकली हुई है। ये टेलीफोन जो कि यूज़ भी नहीं करता, लैंड ब्रोक, आइसलैंड वो है सामने, आइसलैंड ये है आइसलैंड, यहाँ से अंडे सस्ते मिलते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं। ये यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे सिंपल चीज़ें, एक ये भी ज्वेलरी शॉप है, उनका शीशा साफ कर रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस आ गया, उम्मीद करता हूँ आज काम हो जाएगा मेरा। हाँ तो भाइयों, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में काम लगा है, इसमें 64 पाउंड का टीका लग गया, अब देखो घर जाके क्या बनता है। एक होती है नॉर्मल डेली नॉर्मल सर्विस, उसमें होता है कि 49 पाउंड और 2 पाउंड एक्स्ट्रा लगते हैं, 51 लगते हैं, जो मैंने करवाई है इसमें लगे हैं 64। इसमें यह है कि जो मेरा ये DVLA है ना वो जल्दी आ जाएगा, और VIP भी मुझे जल्दी रिसीव हो जाएगा, फिर मैं CBT के लिए जा पाऊँगा। CBT यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपको अच्छी डिलीवरी की जॉब मिल जाती है, डोमिनोज़ वगैरह में, बाकी जगह। हाँ तो DVLA फॉर्म में करके आ गया था, तो रफीक भी की कॉल है कि मैं डर भी जा रहा हूँ, आप लोग ने जाना है तो रेडी हो जाओ, फिर हम दसी दस्ती नहा धो के रेडी हो गए, बस अब वहाँ जा रहे हैं। उज़ैर हमारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि उज़ैर को ज़रा काम था सेंट्रल लंदन में, तो मैं और हसीब रफीक भाई के साथ डर भी जाएंगे आज, हो सकता है नॉर्थहैम्पटन जाए, वो डिपेंड करता है, तो इंशाल्लाह आपसे वहाँ जाकर मुलाकात होगी। तो ये उज़ैर को साइकिल पसंद आई थी, कल जो हम दे के आए थे वो उसको पसंद नहीं आया, बस अब हम डर भी जा रहे हैं, वो नहीं जाएगा, उसको काम है। बटन दबाओ, वहाँ जाओ, वहाँ भी रुपी पे हमारा वेट कर रहे हैं। इस पे तो साइकिल चलाना और मुश्किल हो जाएगा। ये अमेज़न के वेयर हाउसेस, जैसे पाकिस्तान में कैमो काम होता है, अब यहाँ पे सर्विस ही है, अब यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। Can I have 3 cappuccino? Sorry? Cappuccino, 3. Small, medium, large cappuccino. कौन सा? Hi, okay. पूरा निज़ाम है क्या? ये हम डरबी पहुंच गए हैं, ये स्टारबक्स है यहाँ पे, ये डरबी पहुंच गए हम। मैं उसका बाप उधर आया था गली के कोने पे, ये कौन है? अच्छा तो डरगी में वो तो काम से गए हैं, हमने कहा हम इतनी देर फिरते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरह की बस है ब्लू कलर की, लंदन में आपने देखी होगी रेड कलर की होती है, बाकी डरगी में हाँ देसी मार्केट्स भी हैं, बाकी मैंने कहा मैं खुद भी घूम लूँ और आपको भी दिखा दूँ डरगी कैसे। डरगी है बर्मिंगम से भी आगे है, मतलब आप कह सकते हो कि नीचे लंदन है, फिर बर्मिंगम है, फिर ऊपर मैनचेस्टर है, फिर मैनचेस्टर और डर्बी है बर्मिंगम से पहले पहले। ये स्टारबक्स है ड्राइव थ्रू, बाकी ये आल्डी स्टोर है, ये भी टेस्को की तरह आइसलैंड की तरह है, वो आगे मेरे ख्याल से चर्च है, बाकी आगे तक मेरे ख्याल से अब दुकानें बंद हो रही हैं, पता नहीं दुकानें क्यों बंद है, आज तो बल्कि ट्यूजडे है। बस अब वापस जा रहे हैं पार्किंग में, फिर वहाँ से हम वापसी पे शायद नॉर्थहैम्पटन जाएँ, नॉर्थहैम्पटन भी
उनको एक काम है। बाकी ये आगे आपको नज़र आ रहा होगा जिम ग्रुप, ग्रीन कलर का लोगो वाला, वो आगे ये वो जिम ग्रुप। बाकी वो लिडल स्टोर है वो जो नज़र आ रहा है आपको, वो भी टेस्को की तरह। ये है इस्तांबुल रेस्टोरेंट यार, मगर बहुत जबरदस्त बनाए वो यार। सुपर ओशी मार्केट एक्सपेंसिव है लेकिन फीचर बड़े अच्छे हैं। बाकी ये फ्रेश बाजार, यहाँ पे लाल लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पार्किंग वाली गाड़ी लगी है, बस हम जाने लगे हैं, फिर नॉर्थहैम्पटन में मिलते हैं आपसे। बाकी कचरा कूड़ेदान में फेंकेंगे। ओ ऑक्सीजन डर्बी, ये स्टेडियम है, ये फुटबॉल स्टेडियम क्रिकेट है? नहीं नहीं, ये ऑक्सीजन डर्बी है। मतलब ये वो जंपिंग वाली नहीं होती? अच्छा वो, यहाँ पर भूल और ये सब कुछ होता है, वो जो जंप करते हैं हर्डल्स के ऊपर से, वो वाला स्टेडियम। मुझे लगा क्रिकेट का या फुटबॉल का, स्टील स्ट्रक्चर है देख। बिल्कुल एक कोस्ट को जाने लगे अब हम। यहाँ कोस्टको में आइडेंटिटी कार्ड होता है इनका, उसके बगैर आपको एंट्री नहीं करा करने देते। यहाँ पे होलसेल के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। तो बात हो पाया कि पिया है भाई, तो बात हो बात हो बात हो तो बात हो। बाकी ये क्या है, ड्राई फ्रूट है? नहीं, ये अंग्रेज़ों का ड्राई फ्रूट है। अब यहाँ पे टिश्यूज लेने हैं, हमने कहा लगे यार लेने हमें ज़रूरत तो आप, लेकिन इसकी प्राइस नहीं लिखी है। पैम्पर शैम्पर टिशू लेने हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता यहाँ पे प्राइस नहीं किया, अजीब तरह जब प्राइस देख के। बाकी पानी भी लेना है। अच्छा प्राइजेज ऊपर लिखी हुई है, मेरा ध्यान नहीं गया। ये 15 पॉइंट 16 पॉइंट, ये पानी भी ठीक बने लिया हमने, ये टिशू लिए हैं। बाकी कॉस्को से ये सेल सेंटर है। बाकी बस अब हम जा रहे हैं, चीज़ें ले ली हैं, अभी बस नॉर्थहैम्पटन जा रहे हैं, वहाँ जाकर आपसे बात होगी। ट्रॉली ट्रॉली स्टैंड में छोड़ के आते हैं, अब पेट्रोल डलवाने लगे हैं, फिर नॉर्थहैम्पटन जाएंगे। हाँ तो भैया नॉर्थहैम्पटन पहुँच गए हम, यहाँ पे भी मेन मार्केट है, तो इसकी मार्केट भी मैं आपको दिखा दूँ। अभी बज रहे हैं रात के 7, यहाँ आए हम जॉर्ज पिज़्ज़ा एंड कबाब, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह पिज़्ज़ा खाएंगे। यहाँ पे टेक अवेज ऐसे होते हैं, तो भैया क्या है बीफ बर्गर, तो ये प्राइस हो गया। यहाँ भी इस तरह सिस्टम होता है, ये अभी मैंने डोनर कबाब खाया है, बहुत मज़े का था। इसके अलावा यहाँ पे सही वैरायटी है, मैंने जो डोनर कबाब खाया था वो चिकन और लैम्ब मिक्स था, असीब ने लैम्ब वाला खाया है। बाकी ये प्राइस भी बहुत अच्छी थी, मैंने प्राइस खाई सबसे पहले, ये फ्राइज मैं दोबारा खा लेता हूँ। पिज़्ज़ा भी मैंने खाया, पिज़्ज़ा ही बहुत अच्छा था। ये भाई पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ये ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह। ये मैं आगे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि रफीक भाई के जानने वाले भाई है। तो ये किचन है मसला, यहाँ पे साफ़ सुथरा निज़ाम है, कोई ऐसा गंदगी नहीं है। तो इन भाई से पूछते हैं, मैंने पीछे दिखा दिया आपको, ये पिज़्ज़े की टॉपिंग कर रहे हैं। जिला है नीमो पता ना पा, आपको पता है जिला कौन है? हाँ जिले का पता है? जिला नहीं, वो पक लाहौर का जो है। हम लाहौर को नहीं जानते। अच्छा सिर्फ हम गंडापुर को जानते। किस गंडापुर? अली मीन गंडापुर। यार पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, मैंने आपका खाया है। इसमें कौन कौन से सॉस हैं? इनका पिज़्ज़ा भी बड़ा अच्छा था। हाँ इसमें बहुत चीज़ ये चीज़ है। हाँ
मस्त चीज भरी है, मस्त मस्त चीज भरी है। YouTube चैनल है मेरा। ये मैक्रोनी है, ये प्याज है, ये सॉस है, उसके अलावा और क्या है? स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न चिकन है, चाइनीज। आपके मेन्यू में क्या क्या है? बहुत चीज़ें है, तक जाओगे। डोनर का बाबी बहुत अच्छा था, मैं फुल पेट भर जाता हूँ इतना। ये ओवन है, इसमें ये लोग पकाते हैं। ये ओवन मैं नई किस्म का ही देख रहा हूँ पाकिस्तान से, इसमें एट अ टाइम एक पकता है लेकिन पहले जल्दी पक जाता। बाकी ये क्या क्या चीज़ है? अच्छा ये स्लो स्लो आगे आई जा रहा है, फील हो रहा है ना आप उससे पीछे रखा हुआ है, अभी स्लो स्लो आगे जाई जा रहा है। ये नई किस्म का ओवन है कुछ नहीं, मैं पाकिस्तान में जिसका नहीं देखा वो होता है ना, इसका खोलते थे हम ऐसे उसमें रखते थे ये। हाँ बोलो क्या हाल है भाई? सिर्फ चिप्स चाहिए मगर हाथ से निकालना, नहीं नहीं ऐसा नहीं ना। अच्छा मार्केट दिखा दूं, बल्टी का सुपर मार्केट, ये शायद कोई चर्च है नॉर्थहैम्पटन का। प्रॉपर्टी सेटर सर्विस, बाकी मार्केट यहाँ पे यहीं तक है, आगे भी ऐसे ही है। तो ये पीछे रेजिडेंशियल एरिया है सारा। असम लंदन वापस जा रहे हैं। हाँ तो भैया आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।